हाय स्टूडेंट जी, आईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे रिसीव ब्राउज़र के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भी रिसीव ब्राउज़र के बारे में, जिसे हम लोगों ने कवर किया था लगभग 3 ट्रांजेक्शन। कितना ट्रांजेक्शन? अब अगला दिया है चौथा ट्रांजेक्शन, जो देखिए सबसे पहले दिया है एज ऑन 2 अप्रैल 2020, यानी कि डेट दिया है, यानी कि 2 अप्रैल 2021। आगे क्या रिसीव आर एस, पैसा रिसीव हुआ आर्यस, कितना रुपए? 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स। किसे रिसीव हुआ है? सुप्रीम कंप्यूटर से। कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर दिया, यानी कि जो बिल नंबर जिसमें लास्ट में 50 होगा उसका सारा सेटलमेंट हो चुका है। आर समझे ना, किसके माध्यम से? बाई कैश। तो अगर जो आप लोगों को ये सिंपल ट्रांजेक्शन दिया जाए नोट्स में करने के लिए, तो आप लोग कितना ट्रांजेक्शन, कितना इसमें अकाउंट बनाए, कितना अकाउंट बनाएंगे? फिलहाल तो अभी दो ऐसे दिख रहा है, फिलहाल कितना दिख रहा है? हाँ, हो सकता है कि जब हम ये बिल नंबर चेक करेंगे इसका अमाउंट अगर जो ज्यादा होगा और 15,000 का हमको मिल रहा है, तो एक और बनाना होगा हमको डिस्काउंट का। तब किसका बनाना होगा? डिस्काउंट। लेकिन वो भी कब? कि जब अगर जो इस बिल नंबर हमको ज्यादा पैसा पाना है, और अगर ये पैसा हमको कम दे रहा होगा, और अगर जो बराबर दे रहा है, तो हम मात्र दो ही लेजर बनाएंगे। पहला कौन सा? सुप्रीम कंप्यूटर्स, इसी से रिसीव हो रहा है ना, और किसके माध्यम से रिसीव हो रहा है? कैश। दो ही अकाउंट बनाएंगे, पहला सुप्रीम और दूसरा कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? तो सुप्रीम कंप्यूटर्स देने वाला हो रहा है कि पाने वाला? पैसा उससे हमको रिसीव हो रहा है ना, यानी कि सुप्रीम कंप्यूटर्स देने वाला हो। जब देने वाला है तो सुप्रीम कंप्यूटर्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो गया। और कैश अगर जो हमको रिसीव हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? रिसीव हो रहा है ना, रिसीव हो रहा है, कि क्या होगा? बिजनेस में आएगा ना, इनकम हो रहा है, तो इनकम ही देखना हमको, किस में जाना है? कैश। और कैश किस अकाउंट का है? रियल का। और रियल का रूल क्या कहता है? जब कोई धन है उस बिजनेस में आए तो डेबिट, और जाए तो क्रेडिट। तो बिजनेस में आ रहा है कैश ना, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब इसी पैटर्न पे हमको क्या करना है, ये ट्रांजेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वाउचर में। कहाँ जाना होगा? हाँ, याद रखिए कि इसके पहले यदि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है? तीन। अब तीन ट्रांजेक्शन में या तो एडिट करना है या तो डिलीट करना है, तो उसके लिए कहाँ पे आपको आना होगा? डे बुक में आना, इसमें आना होगा डे बुक। जब डे बुक में आए, देखेंगे कितना ट्रांजेक्शन हम किए हैं, और यदि कहीं गलत हुआ चेंज करना है तो उसी पे इंटर बटन दबाएं, हो जाएगा ना। जो मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करेंगे, और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट, हो जाएगा ना। फिलहाल अभी हमसे कहा गया आपको पैसा रिसीव करना है, तो किस वाउचर में करेंगे? या रिसीव वाउचर। कह रहा है कि किससे रिसीव हो रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर। तो पहचानेंगे डेबिट कौन और क्रेडिट कौन। तो अभी हम लोग पहचाने हैं डेबिट कौन हुआ है, कैश, और क्रेडिट कौन हुआ है, सुप्रीम कंप्यूटर। क्योंकि सुप्रीम कंप्यूटर पर्सनल अकाउंट का है, और वो उससे पैसा हमको रिसीव हो रहा है, वो देने वाला और हम पाने वाले। वो देने वाला तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? तो यहाँ ले लेंगे सुप्रीम कंप्यूटर। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, इसमें आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन गो टू गेटवे ऑफ टैली वाउचर रिसिप्ट वाउचर, यानी कि आपको किस में जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर में जाना होगा, फिर किस में जाना होगा? रिसिप्ट वाउचर। हाँ, कॉन्फ़िगर करना होगा। पता है कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे? समझ लीजिए, जब हम ट्रांजेक्शन में देखे हैं, तो यहाँ कह रहा है बिल नंबर दिया है, और बिल नंबर में कह रहा है फुल सेटलमेंट, यानी कि सारा सेटलमेंट हो चुका है। तो इस बिल से हमको कितना पैसा पाना है, ये हम चेक करेंगे तभी तो एंट्री कर पाएंगे ना। तो अगर जो हम यहाँ पे नाम लिए हैं और एंटर करें, तो डायरेक्टली किस पे चला जा रहा है? अमाउंट पे चला जा रहा है ना। तो कितना अमाउंट यहाँ लिखेंगे ये हमको पता नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फीचर यानी कि एक कॉन्फिग्रेशन करेंगे, जिसके लिए आपको दबाना होगा कौन सा बटन? या F12, और आप वहीं पे दिखाई देगा कौन सा, हाँ, प्रीलोकेट बिल ऑफ पेमेंट रिसिप्ट या जनरल वाउचर। उसको क्या करना होगा?
यहाँ आने के बाद किसमें चले गए? कॉन्फिगर, और यही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, प्रीलोकेट बिल, नो है ना, इसको क्या करेंगे? और कंट्रोल ए से क्या होगा? अब अगर जब हम सुप्रीम कंप्यूटर सेवा से इंटर कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको कितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है? अमाउंट भरने का ऑप्शन नहीं है ना। चार ऑप्शन क्या समझ लीजिए कि अगर जो आप उसे एडवांस में पैसा रिसीव कर रहे हैं, सपोज करिए कि जो सुप्रीम कंप्यूटर से इससे आपको पैसा पाना नहीं था, आपके पास आया था कोई सामान खरीदने के लिए और आप बोले कुछ एडवांस जमा कर दीजिए और अगले दिन हम मंगा के आपको दे देंगे, तो आज रिसीव हुआ तो आज ही एंट्री करना होगा एडवांस में ना। तो एडवांस लेंगे तो कौन सा अगेंस्ट रेफरेंस, एजीएसटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अगेंस्ट रेफरेंस होगा, क्या होगा? अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि ये जो सुप्रीम कंप्यूटर्स है इसका एससी यानी कि बिल नंबर पहले से एंट्री हो चुका है और उसी बिल एंट्री को दोबारा से रिकवर करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। न्यू रेफरेंस क्या लेंगे? न्यू रेफरेंस यानी कि जब ये सुप्रीम कंप्यूटर्स के नाम से पहली बार अगर जो एंट्री कर रहे हैं तब कौन सा लेंगे? न्यू रेफरेंस। और अगला कह रहा है ऑन अकाउंट, सुप्रीम कंप्यूटर्स को हम पैसे सामान दिए थे कितने रुपए का? 1,000 रुपए का, और वो हमको 1,200 रुपया दे दिया, तो 200 रुपया अकाउंट के ऊपर चला जा रहा है, वो किस में रखेंगे? ऑन अकाउंट। इन सब का मतलब समझा रहा है ना। हाँ, तो अभी हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सेलेक्ट करें? तो आप लोग बिल वाइज एंट्री किए थे याद है ना, बिल वाइज एंट्री किए थे ना, एंट्री पहले से हो चुका था, हम दोबारा से अगेंस्ट करेंगे, कौन सा लेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। तो बिल नंबर मैच कराएंगे, कौन सा बिल नंबर कह रहा था? तो कह रहा है SC/001/0 कितना, 50, वही सेलेक्ट कर लेना, यही वाला है ना। तो कितना पैसा पाना है इस वाले बिल से? 15,050। आगे कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। अब कह रहा है डेबिट किसको करना है, तो अब आप बताइए, डेबिट कर दिया हम कैश को, लेकिन कैश कितना दे रहा था? 15,000 दे रहा है ना, तो बाकी का दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है? 400। तो जब तक 400 का डिफरेंट दिखेगा तब तक ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं करेगा। तो क्या हम लोग पढ़े हैं कि दोनों का अमाउंट हमेशा क्या आता है? बराबर आता है, पढ़े आप लोग ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? बराबर। तो अभी तो 400 का डिफरेंट है ना, कितने का डिफरेंट है? 400। अब यही 400 हमको मेंटेन करना, जो कहां से करेंगे, तो समा हमको रिसीव करना था 15,400, अमाउंट कितना दे रहा है? 15,000, क्योंकि हम 400 उसको डिस्काउंट देंगे तभी तो दे पाएगा ना। तो अगला एक लेजर बनाएंगे, तो डिस्काउंट कौन सा रहेगा, रिसीव, डिस्काउंट अलाउ या रिसीव, कौन सा रहेगा? डिस्काउंट अलाउ रहेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आखिर? हाँ समझ लीजिए कि अगर जो हम इसको कोई सामान सेल किए तभी तो इससे पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, पैसा पा रहे हैं, सेल के पैसा रिसीव कर रहे हैं, हम अलाउ करेंगे तो 15,400 से 15,000 दे दीजिए, तो डिस्काउंट अलाउ में ही जाएगा ना। तो एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, कह रहा क्रिएट न्यू लेजर डिस्काउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, एक्सपेंस यानी खर्ची हो रहा है ना, अगर जो किसी से पैसा पाना है 15,400 डिस्काउंट दे दिए, 15,000 रुपया रिसीव कर रहे तो 400 एक्सपेंस ही जा रहा है ना, तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों जाएगा, क्योंकि तो गुड्स बेचे हैं और पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो किसी दूसरे के माध्यम से ही हो रहा है ना, जब किसी दूसरे के माध्यम से है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले आप एक लेजर क्रिएट करेंगे, नाम क्या रहेगा, डिस्काउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा ना, नॉट अप्लीकेबल। यहां से देखिए पूछ रहा है कि क्या कुछ इंक्लूड रहना चाहिए, हम यहां पर कर लेंगे क्या, जीएसटी इंक्लूड क्या होना चाहिए, जीएसटी, तो क्योंकि जीएसटी इसमें लगाना नहीं, इंक्लूड है पहले से, इसलिए हम इंक्लूडेड में सेलेक्ट कर लिए, और जीएसटी अप्लीकेबल को क्या रखना होगा, ये किस पे, हम दोनों पे कर देंगे, गुड्स एंड सर्विस दोनों में अप्लाई करेंगे, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, कितना हो रहा है, 400।
तो अब देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस बराबर हुआ, तो यहाँ पे नैरेशन भरना है। अब नैरेशन आप भर सकते हैं टू बीइंग एंड की रिसीवर है किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से, या तो आप चाहें तो सारा यही लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। रिसीव आर एस 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स अगेंस्ट फुल सेटलमेंट बिल नंबर 80/001/50 बाई, हो जाएगा ना। उसके बाद इसको कंट्रोल से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अगला ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अगला आप लोग बताइएगा कैसे रहेगा। कह रहा है एज ऑन 2nd April 2021 रिसीव आर एस 14,000 फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेंस्ट फुल सेटलमेंट जिसका बिल नंबर दिया है, और कह रहा बाई ड्रॉ आर HDFC बैंक, यानी चेक है किस बैंक का, HDFC बैंक का, जो कह रहा है क्या डेटेड 1st April चेक नंबर दिया है, कह रहा है द चेक डिपॉजिट इनटू SBI करें, कि जो हमको डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से पैसा पाना है वो हमको पैसा दिया है लेकिन किस माध्यम से, चेक के माध्यम से, उसका बैंक HDFC का है और हमारा किस बैंक का है, SBI का, तो वो पैसा हम ला करके SBI में क्या कर दे रहे हैं, डिपॉजिट कर दे रहे हैं, तो किसका किसका अकाउंट बनेगा यहाँ पे, पहले तो चेक कर लेंगे, अगर जो अमाउंट ज्यादा होगा अमाउंट कम रिसीव करें तो डिस्काउंट अलाउ का बन जाएगा, दूसरा किससे हो रहा है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का, और तीसरा किस बैंक में हो रहा है, SBI करंट अकाउंट। तो जब हम आएंगे टैलीमेंट्री करने तो सबसे पहले ले लेंगे पैसा किससे पाना है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेन से फ्रेंड्स, अमाउंट देखिए बिल नंबर कितना दिया इसका 450 वाला ही है ना, कितना अमाउंट पाना है 14,000, लेकिन वो दे रहा है SBI बैंक के माध्यम से, हम ये ले लेंगे करेंट अकाउंट एट SBI, कितना दे रहा है 14,000। अब देखिए चेक नंबर दे रहा था ना, चेक नंबर जब पूछेगा तो इंटर करके नीचे आ जाएंगे, इंस्टेंट नंबर दिया है ना, यहीं भर लेंगे, चेक नंबर कितना दिया है 14,500, बैंक नेम पूछ रहा है किस बैंक का है, नहीं चेक किस बैंक का है, HDFC बैंक का है ना, तो यहाँ पे जब स्पेस बटन दबाएंगे तो आपको नॉट एप्लीकेबल और स्पेसिफाई बैंक के बैंक नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो नॉट एप्लीकेबल नहीं यानी पता नहीं, या फिर आपको पता है तो पता HDFC बैंक है ना, स्पेसिफाई बैंक नेम करेंगे और टाइप कर लेंगे क्या HDFC, हो जाएगा ना। बाकी का अमाउंट क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ कितने रुपए कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें, कैसे किए हैं, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ लिया, क्या कह रहा था ट्रांजेक्शन, कि इस डेट को रिसीव हो रहा है कितने रुपए 14,000 रुपए, किससे रिसीव हो रहा है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से, जो कह रहा फुल सेटलमेंट यानी पुराना जो बिल है 450 उसका सारा पैसा दे दे रहे हैं, तो सारा सेटलमेंट हो जा रहा है, कह रहा बाई किसके माध्यम से, चेक डाउन किस बैंक से, HDFC पर, क्लियर है ना, जो चेक नंबर दिया और कह रहा है द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू SBI करंट, जो हमारा बैंक वो SBI में है, HDFC वाला जो चेक था वो अपने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट इनके जमा कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला ये कर ले जाएंगे आप लोग, एक छोड़ दे, के बाद से आप लोगों को ट्रायल बैलेंस चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए आप लोग आ जाइएगा किसमें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और जब यही आपको दिखाई देगा क्या ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस आप लोग पढ़े हैं ना, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का बैलेंस शो किया जाता है, तो नीचे देखिए कहीं कोई डिफरेंट दिखाई दे रहा है, डिफरेंट नाम से कोई अकाउंट नहीं है ना, बस सारा या तो क्रेडिट का है, डेबिट का, या तो टोटल इधर डेबिट और इधर टोटल, नीचे दिखा रहा है 53,89,745, तो अभी हम 7 ट्रांजेक्शन किए हैं ना, तो आप लोग का भी 7 ट्रांजेक्शन करने के बाद से टोटल इतना बैलेंस आना चाहिए, कहीं नोट कर लीजिए, अगर जो बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, तो आज सभी लोग यहाँ तक करके दिखाइए लोग।